बाराबंकी जिले में ज़्यादातर किसान ऑर्गेनिक तौर पर खेती की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि इसमें लागत कम, मुनाफा अच्छा मिल रहा है। पहले किसान पारंपरिक तौर पर होने वाली खेती करते थे, जिसमें उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हो पाता था। यही वजह है अब इन सब से हटकर IPM विधि से सब्जियों की खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं। वहीं जनपद के कई किसान IPM विधि से तरह तरह की सब्जियों की खेती की पैदावार कर रहे हैं, जिससे उनको प्रतिवर्ष लाखों की आमदनी भी हो रही है। वहीं बाराबंकी जिले के माती गांव के रहने वाले युवा किसान आशीष वर्मा ने IPM तकनीक से केमिकल युक्त सब्जियों की खेती की पैदावार कर अच्छी कमाई कर रहे हैं। वहीं IPM तकनीक के प्रयोग से फसलों को नष्ट करने वाले कीटों को नियंत्रण करने के लिए पीले, लाल, नीले स्टिक ट्रैप और लाइट ट्रैप व स्पाइन बुश नियंत्रण करने, खेतों में जगह जगह लगाकर हानिकारक रासायनिक उर्वरक मुक्त खेती कर शुद्ध सब्जियों की पैदावार कर रहे हैं। इन सब्जियों में जैविक खाद का प्रयोग से शिमला मिर्च, ब्रोकली, कद्दू, टमाटर, बीन्स आदि सब्जियां उगा रहे हैं। इन सब्जियों की खेती से इन्होंने महारत हासिल की। वहीं आशीष कुमार ने बताया, हम IPM विधि से आधे एकड़ से शुरुआत की थी, आज करीब 4 एकड़ में खेती कर रहे हैं, जिसमें खीरा, ब्रोकली, बीन्स, टमाटर, शिमला मिर्च आदि की खेती कर रहे हैं। इस विधि से जो खतरनाक कीड़े होते हैं, इस स्टिक पर अटैक हो जाते हैं। ये स्टिक कई कलर में होती हैं। इसे लगाने से सब्जियां जहरीली नहीं होती और स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होती हैं। साथ ही इन सब्जियों की मंडियों में भी काफ़ी डिमांड रहती है। इससे हम लोगों को अच्छा मुनाफा होता है। इसलिए मैं अपने किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ, इस विधि से खेती करें और अच्छा लाभ कमाएं। एक आधे एकड़ से स्टार्ट किया था, उसके बाद अब मैं इस टाइम 4 एकड़ में कर रहा हूँ। 4 एकड़ में मैं खीरा और ये टमाटर, फ्रेंच बीन्स, गोभी, ब्रोकली और शिमला मिर्च वगैरह करता हूँ। ये इससे जो है हमारे जो कीड़े होते हैं, खतरनाक कीड़े, ये स्टिक पे अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसमें लाल, पीली, नीली और कई प्रकार की स्टिक पे आती हैं। और ये सोलर ट्रैप होता है, सोलर ट्रैप और फेरोमोन ट्रैप होता है, ये सब लगा के मैंने बहुत अच्छी खेती की है। इसे कीटनाशक नहीं डालनी पड़ी मुझे। यहाँ हमारे यहाँ बहुत दूर दूर से किसान आते हैं देखने के लिए। हम लोग सभी को प्रेरित करते हैं कि आप लोग भी IPM पे आइए, कीटनाशक रहित खेती करिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। जो भी लोग खाते हैं उनको भी बहुत अच्छा लगता है खा के। और इस विधि से जो है लागत कम है और फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो रहा है, और फसल लंबे समय तक चलती है, इससे पैदावार भी बहुत अच्छी मिल रही है।